नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार में सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया है। बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में भारी बवाल हुआ है। अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 से 4 साल तक वे परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर 4 साल के लिए नौकरी होगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मुजफ्फरपुर में अग्निपथ सेना बहाली के विरोध में मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। आगजनी और प्रदर्शन करते वक्त NH-28 को कई जगहों पर जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर गोलंबर पर आगजनी की गई। बक्सर में आर्मी अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रैक को जाम करने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेगूसराय में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बेगूसराय के हर हर महादेव चौक को टायर जलाकर जाम कर दिया। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन के बजट कम करने के लिए उठाया है, मगर अभ्यर्थियों को ये सरकारी स्कीम रास नहीं आ रही है। दरअसल सेना में जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी। पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट को नहीं माना जाएगा। भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है और ये जो टीओ डिलीवर किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। भगवानपुर चौक के पास जाम किया गया था लेकिन जाम समाप्त हो गया है, आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आधा पौन घंटे के आसपास जाम रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से जाम जो है वो खत्म हो गया है, जाम बिल्कुल छुड़ा लिया गया है, आवागमन आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से जारी है। नहीं, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई है, जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया के संदर्भ में उनके मांगे हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, हम लोग जाम। देखिए, ये जो नई स्कीम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ला रही है अग्निपथ अग्निवीर के, 4 साल के लिए एक लड़का आएगा फौज में नौकरी करेगा और उसके बाद में वो चला जाएगा और जितने 100% में से 100% को बाहर निकालेंगे और उसके बाद में 25% को फिर वापस ले लेंगे, पर जो 4 साल की सर्विस उन्होंने की होगी वो पेंशन के लिए काउंट नहीं होगी। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है कि आप सिर्फ एक पेंशन को बचाने के लिए आप इनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं? दूसरी बात, जो वो लड़के जो 75% है, जो जब आप उनको निकालेंगे आप उनको क्या रिहेबिलिटेशन देंगे? जब उसको ट्रेनिंग आपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह की दे दी, और ये हमने पीछे भी देखा है कि जो कई ऐसे लोग हैं वो जाके नक्सल्स के साथ मिले हैं, क्या हम देश के अंदर ट्रेंड नक्सल्स पैदा करेंगे? फिर ये जो स्कीम है ये किसी भी देश में नहीं चली, अमेरिका ने की, जब वियतनाम के अंदर उसने अपने कंस्क्रिप्शन की उसके अंदर भी देखा, आपने देखा वियतनाम के अंदर किस तरीके से हार हुई उनकी, उसी हिसाब से चीन का देख लीजिए। और ये वीडियो तो बड़े वायरल हैं जो अभी लद्दाख के अंदर जब चीन घुसा था उनके सैनिक रोते हुए जा रहे थे वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो भी 4 साल के लिए आते हैं। तो हम क्या एक भारत देश जिसके नेबर्स चीन और पाकिस्तान हमारे जान के दुश्मन हैं, क्या हम अपनी फौज को इस हिसाब से कमजोर करने में लगे हैं कि सिर्फ पैसा बचाने के लिए? मैं तो कहूंगा देखो, ये जितना पहली बात है, ये जो नई स्कीम है ये कह रहे हैं क्रांतिकारी स्कीम है। अगर क्रांतिकारी स्कीम इतने बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं तो पहले इसको इसका ट्रायल एवेल्युएशन होना चाहिए था, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होनी चाहिए थी। इसके ऊपर ना तो कोई ट्रायल एवेल्युएशन हुआ है ना ही कोई डिस्कशन हुई है, और मेरे मुताबिक ये स्कीम जो है बहुत ही बदतर है, इससे हिंदुस्तान की सेना जो है वो जो है काफ़ी से ज़्यादा कमज़ोर पाई जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान का आज़ादी से पहले का 1000 साल का इतिहास देखो तो केवल डिफीट डिफीट और डिफीट डर जाता है। जो भी हमारे लैंड बॉर्डर्स है हमको पछाड़ के चला गया, जो भी समुद्री मार्ग से है हमको पछाड़ के चला गया। आज़ादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 4 पाकिस्तान के खिलाफ और 1 चाइना के खिलाफ। चाइना के साथ हम लड़ाई हारे, गवर्नमेंट
ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल वालों की स्टूपिडिटी की वजह से चारों लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हमने बड़ी आसानी से जीती, क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन जो था वो बड़ा वेल ट्रेंड था, उसकी लीडरशिप बड़ी अच्छी थी, उसका मोरल मोटिवेशन बड़ा अच्छा था, कॉज फॉर विच ही वाज फाइटिंग बहुत अच्छा था। इस तमाम चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो स्कीम है बेकार कर देगी। चारों तरफ से विचार विमर्श के बाद लगातार जो विचार अग्निपथ को लेकर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बातें प्रमुखता से निकली हैं वो ये हैं कि कैसे पुनर्वास होगा, जो युवा 4 साल के बाद घर लौटेंगे, कैसे समाज के सैन्यकरण को रोका जा सकता है और कैसे ये दावा किया जा सकता है कि 4 साल के बाद वो समाज के लिए किसी भी स्थिति में घातक नहीं होंगे और कैसे रोजगार को सेना के जज्बे, देश सेवा, देशभक्ति से जोड़ा जा सकता है। रोजगार बिल्कुल पृथक मार्ग, सेना में जाना बिल्कुल पृथक मार्ग, सेना में जाना इसका मतलब देश के लिए मरने मिटने का जज्बा, और उस जज्बे में कहीं एक बैरियर 4 साल का, तो कैसे तमाम रक्षा विशेषज्ञ इस योजना को लेके अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और उन्हीं विचारों को संकलित किया जाए तो एक बड़ा जो वर्ग है वो इसके पक्ष में नहीं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल झा बीजेपी नेता, सीके ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनिल जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में से तमाम बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ रक्षाविद इस स्कीम को लेकर अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सब कुछ ठीक है? देखिए, जब भी कोई सरकार सरकार के कदम उठाती है तो स्वाभाविक है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को चर्चा करने की स्वतंत्रता है। ऐसे भी हमारे देश के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर अगर डिबेट हो तो ज्यादा बेहतर है, और उसमें कोई अच्छा सुझाव आ जाता है तो सरकार उसे स्वीकार भी करती है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर सरकार ने दिया है, उस पर इस प्रकार के अकल्पनीय प्रश्नों को खड़ा करना कि साहब ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा और सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा सोचना जी। और सरकार ने और सेना के विशेषज्ञों ने अगर यह निकाला है कि 4 वर्ष युवाओं को लिया जा सकता है, अब जानते हैं इसमें कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, अनुशासन आएगा, और जब वो उसके बाद सब समाज में जाएंगे तो अनुशासन लेकर के जाएंगे और बेहतर विकल्पों की तलाश के अंदर वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, एक अनुशासित समाज का निर्माण होगा। और इसके बाद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने जो विषय अभी लिया है हाथ में और युवाओं को जो अवसर देने की चर्चा है उसमें सब कुछ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, सकारात्मकता भी मुझे तो नजर आती है। इसलिए सरकार के किसी भी योजना पर बहुत जल्दी प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए, पहले उसे समझना चाहिए। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो आमंत्रित है सरकार को भेजिए, कोई सुधार हुआ तो सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। और कई मुद्दों पर ऐसा हुआ है कि जब विषय सही भी हो और लगता है कि जैसे किसान मूवमेंट था वो नहीं समझा पाए सरकार ने कदम पीछे वापस ले लिया। सही बात है। तो इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन अभी फिलहाल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और युवाओं को अवसर मिले हमें उसका इंतजार करना चाहिए। भारत के युवा ज्यादा से ज्यादा सेना में जाए, अनुशासित बने, देश के जज्बे के साथ सेवा करें
अभी सरकार की मुझे लगता है यही मंशा है और युवाओं को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सीके ठाकुर जी, जी कैसे देखते हैं अग्निपथ योजना को और तरह तरह के जो विचार निकल के आ रहे हैं, जो मनन मंथन और चिंतन जो हो रहा है, उससे क्या लग रहा है आपको? जी त्रिशूल साहब, देखिए देश जब से आजाद हुआ उसके बाद जो सेनाओं में भर्ती हुआ, जो सरकारी नौकरी मिली लोगों को, हर जगह यहाँ के युवक, इस देश के युवक, चाहे पंजाब से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, उनका एक बड़ा प्रयास रहा कि हम देश के लिए कुछ कर दें। कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने कुर्बानी देकर के देश के जो हमारा सैनिक जहां जहां है वहां रक्षा करने का काम किया। और अब जो ये योजना है अग्निपथ योजना जो कह रहे हैं, ये तो समझे कि बिल्कुल ही एक तरह का मतलब बेकार डिसीजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार चल रही है इस देश का, यह एक निर्णय बहुत ही मतलब 4 साल में युवक क्या कर पाएंगे? लोगों को लगेगा भाई 4 साल के लिए तो है, चलो कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा सा चार आगे एक्सटेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो कहीं कुछ नहीं है। जितनी भी पूंजीपति लोग को इन्होंने जितना प्रश्रय दिया, जितने इन्होंने इस देश में पूंजीपतियों को पैसे देने का काम किया, लोन देने का काम किया, उस ढंग से आज बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है। बेरोजगार आज जब बैंक में लाइन लगा करके कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, तो वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उनके पास उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास उतना सब कुछ नहीं है कि वो दे करके बैंक से उनको प्रॉपर लोन मिल पाए। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर के इस काम को कर रही है। अब देखिए देश में हम लोग कई स्टेट है जहां पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पारा शिक्षक में वो बेचारे जितना पैसा फॉर्मल टीचर को मिल रहा था उतना पैसा पारा टीचर को नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों का कैटेगरी सेम है, पढ़ाई उनको भी करना है, उनको भी पढ़ाई करवाना है, लेकिन उनको पैसा 15,000, उनको पैसा 65,000, 1,00,000। तो ये योजना जो है बिल्कुल ही समझे कि फेल्योर योजना रहेगी और युवाओं को संतुष्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करके सबको पूरी तरह से सरकारीकरण ठोक बजा करके उसको सेना में चाहो चाहे कहीं भी भर्ती लेना चाहिए, ताकि इस देश का एक अच्छा विकास का अवसर मिल जाए और लोग जो है प्रॉपर काम कर सकेंगे। जी चंद्रशेखर भाई। विपिन शर्मा जी, देखिए मैं अभी तक बड़े विश्वास में था कि सरकार ने कोई कदम उठाया होगा तो मजबूती से उठाया होगा, लेकिन जैसा कि अनिल झा जी ने कहा कि अगर ज़्यादा विचार ऐसे आएंगे तो फिर वापस भी ले सकते हैं, और सरकार ने ऐसा किया भी है, उन्होंने किसान आंदोलन का भी उदाहरण दिया, कृषि बिल का भी उदाहरण दिया। क्या लगता है आपको कि सेना को रोजगार से जोड़ना और प्रयोगवाद से जोड़ना, और रोजगार के प्रयोगवाद से जोड़ना कहाँ तक उचित है? त्रिशूल जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और देखिए दोनों पहलू हैं। पहले तो ये विपक्ष की अगर बात करें वो तो ये बोल सकते हैं कि और बोल भी रहे हैं कि जो बेरोजगारी अपनी चरम पे थी तो वो उससे बचने के लिए सरकार ने ये विकल्प खोजा है। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने एक तीर से दो निशाने करे हैं, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और साथ में युवाओं को एक उनको उनके सामने और विकल्प आए हैं सामने, और जो जो इसका एज ग्रुप है आप 17.5 से लेकर 21 साल तक और शुरुआती दौर में 46,000 सोल्जर्स एयरमैन और आपको नेवी में भर्ती करे जाएंगे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहती है कि युवाओं को सशक्त करा जाए, उनको रोजगार के मौके मिले, और सबसे बड़ी बात है कि कई देशों में विश्व में कई देशों में मैंडेटरी होती है कि आपको फौज में अपनी सेवा देनी है। तो यहाँ पर अगर सरकार ने एक सरकार की सोच उस दिशा में गई है तो यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। अभी हम जल्दबाजी में हर चीज में खामियां देखने लग जाए तो ये मुझे लगता है जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी दो बातें समझनी चाहिए हमें कि LAC और LOC पर
चुनौतियां बेशुमार हैं, वो अलग बात है। ये 2022 की हिंदुस्तानी सेना है, अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। और कोरोना काल में बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा त्रिशूल जी इस चर्चा में, कोरोना काल में जब थोड़े समय के लिए हमारी सेना, मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास, विपिन शर्मा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पुनर्वास को लेकर भी विचार करना होगा और समाज का जो सैन्यकरण हो जाएगा उसको लेकर भी गंभीरता से विचार करना होगा। देखिए कुछ वर्ष पहले त्रिशूल जी, मुझे बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि पहली बात तो ये कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, फौजी का पोता हूँ, फौजी का भाई हूँ, तो फौजी खानदान से हूँ। तो ये बातें बड़े सम्मान के लिए होता है कि कभी आप जैसे मैं आपके सामने ये व्यक्तिगत तौर से इस बात को साझा कर रहा हूं तो अच्छा महसूस होता है। तो यही बात है कि फौज में जिसको सेवा देने का मौका मिलता है तो उसके लिए बड़े गर्व की बात होती है। और लेकिन सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर आपने उनके बात करी कि रिहैबिलिटेशन कैसे होगी उनका, दोबारा उनको सेटलमेंट कैसे कराई जाएगी, वो निश्चित बात है एक चुनौती है सामने कि यहाँ पर। लेकिन हमने देखा कि जो डीजीआर डिपार्टमेंट है उसने कई लोग जो फौज से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनके लिए नई नई योजनाएं सरकार ने निकाली हैं। मुझे अवसर मिला था कि आईएम बेंगलोर जाने का, वहां पर देखा कि कैसे फौजियों को दोबारा मौका मिला है कि वो मैनेजमेंट करें, एमबीए करें और उसके बाद दोबारा उनके लिए रोजगार के नए उनके लिए उनके सामने विकल्प आते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी जो एक सरकार ने एक उनकी सोच इस दिशा में गई है कि एक तीर से दो निशाने, कि यहाँ पर एक तो युवाओं को सशक्त करने का, उनको रोजगार के अच्छे मौके मिले और सबसे बड़ी बात है बहुत अनुशासित जिंदगी होती है कि आप जब एज अ सोल्जर, एज अ सेलर, एज अ एयरमैन अगर आप भर्ती होते हैं तो फौज से बड़ा कोई नहीं है। और उनका जो सिलेक्शन चयन जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल फूल प्रूफ है, जो बिल्कुल सटीक पाया जाएगा। उनके जो मापदंड है उन्हीं को उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का चयन होगा। तो ये हम एसएसबी की बात करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसका पूरे विश्व में लोहा माना जाता है हिंदुस्तान के एसएसबी का। तो यहाँ पर तमाम बातें, लेकिन अब मैं विपक्ष के नजरिए से बोलना चाहूंगा त्रिशूल जी कि वो बोलते हैं कि कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पहले था नहीं, जिसको पहले आप टेस्ट करते तब उसको आप लागू करते, ये बात विपक्ष की बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, बड़ी अहम बात कि हमने देखा अमेरिका में एक नया फैशन सा बन गया है गन कल्चर को लेकर, और वहां पर जो मास शूटिंग हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है उसके पीछे, जब मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस बात का आकलन करा, इस नतीजे पे पहुंचे कि वहां पर फ्रस्ट्रेशन लेवल्स काफी हो जाते हैं चाहे जो भी कारण हो। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब अगर बच्चों को, ये जो युवा है, जब उनको आप 75% जो है जिनको आप एक तरह से उनको आप उनका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 4 साल बाद, तो उसके बाद आप भले उनको एक फंड दे रहे हैं लेकिन उसके बाद जब बेरोजगारी फिर वो चुनौती उनके सामने आएगी तो उस स्थिति से वो कैसे निपटेंगे और उनके पास और क्या विकल्प बचेगा। तो क्योंकि आपने 4 साल तो अच्छे गुजार लिए, उसके बाद 4 साल बाद क्या होगा। तो यहाँ पर भी सरकार की सोच जानी चाहिए। तो विपक्ष अगर ये बात बोल रहा है तो विपक्ष की बात दुरुस्त है, दोनों पहलू हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको विश्वास में, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए विपक्ष को भी, कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए विपक्ष की कि यहाँ पर अगर देश हित में कुछ बात हो रही है, जनहित में कुछ बात हो रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है कि अगर युवाओं, हमारा देश का युवा सशक्त हो रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और चुनौतियां कितनी है LAC पे और LOC पर, हमने देखा कोरोना काल में भी हमारा दुश्मन नंबर एक चीन बाज नहीं आया, वहां पर भी कोरोना काल में जब थोड़े समय के लिए जो कष्ट लगती है, संयुक्त कष्ट ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना, थोड़े समय के लिए उसको स्थगित करना पड़ा, वहां पर भी देखिए कैसी गिद्ध की नजर लगा के बैठा था चीन, उसने अतिक्रमण शुरू कर दिया, वो अलग बात है, उसको मुंह की खानी पड़ी, दांत खट्टे कर दिए हमने चीनियों के, पीछे खदेड़ दिया इनको। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि चुनौतियां बेशुमार है और यहाँ पर उससे निपटने के लिए हमने रूस और यूक्रेन का उदाहरण सामने देख रहे हैं कि 100 दिन से ऊपर हो गए, आज ये युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो ये बातें, क्योंकि कब युद्ध की स्थिति बन जाती है ये किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको समय रहते कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे, उसी के तहत
ये ऐसा कदम उठाया सरकार ने, तो यहाँ पर विश्वास में लेकर और विपक्ष को सबको एक मंच पे आना चाहिए राजनीति के लिए। और बहुत मुद्दे हैं कि राजनीति करने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, युवाओं को आगे बढ़ाने का मामला आता है, मुद्दा उठता है, तो वहां पर कम से कम एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। और अगर कोई आपस में मतभेद है उसको आपस में बैठ कर सुलझाना चाहिए। ठीक है अनिल झा जी, देखिए कई जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रायल एवोल्यूशन हो जाना चाहिए था और एक रिहैबिलिटेशन को लेके, पुनर्वास को लेके बात की है, तो सरकार को एक बार पक्ष जान लेना चाहिए था एकदम कि इसके क्या नेगेटिव क्या फैक्ट्स के हो सकते हैं, इसके बारे में सरकार कहीं ना कहीं विचार कर लेना चाहिए था। लेकिन अब स्कीम लॉन्च होने के बाद जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है? देखिए मोदी सरकार किसी चीज को भी लॉन्च करती है तो उसका कई लेयर अध्ययन किया जाता है। उसके अध्ययन के बिना कोई चीजों को हमारी सरकार लॉन्च नहीं करती है। और देश की सेना से और सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करती है मोदी सरकार। मैं सभी देश के पॉलिटिकल पार्टी से, सभी युवाओं से और सभी राजनीतिक विशेषज्ञ जो विश्लेषण कर रहे हैं और सेना के प्रमुख लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये योजना इस देश के अंदर एक स्वर्णिम योजना के रूप में जानी जाएगी, जहां पर न सिर्फ हम रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं आने के लिए और युवाओं में न सिर्फ रोजगार मिलेगा अपितु भारत की भविष्य की नींव तैयार होगी। 17.5 साल से 21 साल का लड़का जब 27-28 साल में आप अगर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आएगा तो क्या होगा, वो डिसिप्लिन्ड एक आर्मी मैन आएगा बाहर, उसके अंदर बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं हैं, सेवा क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं कि उसके बाद वो अपना रोजगार अपने लिए नहीं, वो इस प्रकार की संभावनाएं तलाशेगा कि अपने साथ साथ सैकड़ों और हजारों लोगों को नौकरी दे सकता है। ये आपकी संभावनाएं हैं, ये जो संभावना मेरी भावना है बिल्कुल क्लियर है। ऐसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं आशावादी आदमी हूं। मैं आपको दो बात बता दूं, ऐसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और ऐसे अगर कोई बात हो जाए तो 135 करोड़ के 135 करोड़ ही सैनिक हैं भारत के लोग। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी योजना को लाते हैं तो उसके बारे में गहन मंथन चिंतन होना चाहिए था। और शायद ये जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, निश्चित रूप से विपक्ष नहीं इन प्रश्नों को निकाल रहा है, कई जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इन प्रश्नों को खड़ा कर रहे हैं। अनिल जी, अरे भाई सेना में जनरली वैसे भी तो 15 साल की जॉब है, 18 साल की जॉब है, उसके बाद जो युवा निकलते हैं क्या वो बेरोजगार है क्या? सेना का कोई जो आर्मी ऑफिसर है या आर्मी मैन है या सामान्य सिपाही है कोई बेरोजगार नहीं घूम रहा है। सेना के प्रति हमारी इतनी निष्ठा भी और कई प्रकार की त्रिशूल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अनिल जी एक सवाल बताइए। त्रिशूल जी, त्रिशूल जी देखिए, जो आप रक्षा विशेषज्ञों की बात करते हैं तो सब एक बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम 7-8 साल लगते हैं कि एक फुली ट्रेन्ड कॉम्बैट रेडी सोल्जर बनने में। तो यहाँ पर जब इतना समय लगता है तो आप जो सरकार की तरफ से जो योजना है, हम लोग तो योजना को स्वागत करेंगे, तो यहाँ पर सोच को सकारात्मक रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का आप क्या जवाब देंगे कि 7-8 साल लगते हैं कि एक फुली ट्रेन्ड कॉम्बैट रेडी सोल्जर बनने में, तो यहाँ पर आप तो इतने थोड़े समय में उसको तैयारी करा देंगे तो वो कैसे पूर्ति होगी? देखिए आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार हाइपोथेटिकल नहीं है जनाब, मैं बिल्कुल बड़ी ठोस बात कर रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब आपने जो धारणा बना ली वो इतनी प्रबल है अनिल जी, सुनिए 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 सर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, सुनिए। पहले के जमाने से लेके अभी लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है, ट्रेनिंग के तरीके बदल रहे हैं, पढ़ाने के तौर तरीके बदल रहे हैं और उनको इतना परफेक्ट बना दिया जाता है। पहले आप कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर बनते बनते 30 साल लग जाते थे, 35 साल लग जाते थे। IAS पहले 30-28 साल में बनता था, आज 21 साल की लड़की भी IAS बनती है, 22 साल की लड़की भी IAS बनती है, लड़का भी बनता है। तो ट्रेनिंग के बेहतर तरीके, ज्यादा अवसर और हमारे पास संसाधन जो है
उसके कारण से वो बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, सेना के अंदर वो बेहतर सोल्जर बनेगा। और आप ये मत कहिए कि 4 साल के बाद क्या होगा, हमारी सरकार ने उसकी भी व्यवस्था पहले से की होगी। मैं मानता हूँ कि अगर कोई बेहतर होगा तो उसको दूसरे कमीशन में डाला जा सकता है या उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। 25% का है भाई, 25% है, बाकी 75% तो फिर बेरोजगारी है। नहीं देखिए, उन 75% सरकार बेहतर तरीके से उनकी रोजगार की चिंता कर रही है और करेगी भी। सरकार तो बहुत चिंता कर रही है ना, सरकार बहुत चिंता कर रही है, लेकिन चिंता से कुछ बट नहीं रहा ना नीचे जमीन पर। त्रिशूल जी, मैं आ रहा हूँ, विपिन जी आ रहा हूँ। आप नहीं, आप जैसे विपिन जी ने बताया या कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, और आप कांग्रेस और कांग्रेस कांग्रेस नहीं खेल सकते इस पे बीजेपी कांग्रेस नहीं खेल सकते। अनिल जी, एक ही बार वो नाम लिया है कांग्रेस का। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। अनिल जी देखिए, बहुत ज़्यादा कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस नहीं खेल सकते, जिस पर बहुत स्पष्टीकरण से बात करनी होती है। और सेना को रोजगार से कभी नहीं जोड़ा गया, जज्बे से जोड़ा गया और जोश से जोड़ा गया, और अब रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और उसके बाद 4 साल बाद कुछ है नहीं उसके पास। युवा व्यक्ति ही, युवा बच्चे ही तो जाते हैं सेना में। इसकी आयु की सीमा कितनी रख दे युवा अवस्था की? जैसे आपके यहाँ युवा 50 साल में युवा होता है, आपके यहाँ 50 साल का व्यक्ति युवा होता है ना। नहीं, तो सभी जगह आपके यहाँ भी कहा जाता है युवा नेता। आपके बीजेपी में भी कहा जाता है, विपक्ष में तो जब खूब कहा जाता था ये युवा नेता वो युवा नेता। हाँ त्रिशूल जी, आ रहा हूँ त्रिशूल जी, मैं एक बड़ा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा जैसे मैंने भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, मैं ये बुरा लग रहा है मेरी बात का, मैं लेकिन जवाब से मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। मैं कांग्रेस से प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस अगर विरोध कर रही है कि जो सरकार मोदी सरकार की ये नई योजना आई है, नई नीति आई है, तो यहाँ पर एक सवाल इनसे बनता है कि आजादी के बाद तो इनकी सरकारें रही है, तो ये क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में? शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो था, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कांग्रेस, अगर आज कांग्रेस विरोध कर रही है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो लाए थे, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी तो अहमियत है। तो क्या हम सिर्फ इंतजार करें कि जब युद्ध की स्थिति बने तब हम लोग अपनी कमर कसें? मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ठीक है ठाकुर जी। जी जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो बात आपने किया, तो लेकिन आज वो भी तो स्थिति नहीं है देश की ना। जिस समय अभी जो देश में आप कह रहे हैं कि हम लोग यूक्रेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यूक्रेन में लोग बाहर से हायर करके सैनिक बुला रहे हैं, यूक्रेन के पास अपना कोई व्यवस्था नहीं है, आज हमारे पास अरे दूसरे देश पर हमला करने के लिए काम करें, तो आज उस देश को उसी स्थिति में हमको लाना है, लेकिन आज वहां कहीं ध्यान नहीं है। आज मैंने देखा कि देश में सिर्फ सड़कों का जाल बिछ रहा है, जहां जरूरत नहीं वहां भी जाल बिछ रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो यहां है नहीं। युवाओं को नौकरी देने सर्विस कमीशन के बारे में बोलिए आप, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में जी। तो आप उसमें बताइए कि आप उसमें क्या चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी से, या जो 70 साल में इनका रहा? नहीं नहीं, सीधा सवाल है, अगर आप सरकार की, मोदी सरकार की इस योजना की निंदा कर रहे हैं या खामी आपको नजर आ रही है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो लेके आए थे, उसकी तो सबने सराहना करी थी, समर्थन करा था। उसकी अवधि तो थी अधिक ना, कितनी थी विपिन जी? थोड़ा 5 साल थी विपिन जी, बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल 5-6 साल, बिल्कुल 5-6 साल, और वो बिल्कुल कितने लोग आए हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन से, उसके बाद उनको दोबारा उनकी भर्ती हुई, उनको परमानेंट करा गया, उन्होंने पूरा जैसे एक नॉर्मल फौजी है उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल करा। नहीं, लेकिन विपिन जी यहाँ पे बात निकल के ये सामने आ रही है कि देखिए आपने मुद्दा उठाया कि शॉर्ट सर्विस लेके आए थे, तो क्या बीजेपी ये कर रही है कि उन जो स्कीम्स को कांग्रेस लेके आई थी उन्हीं का नवीनीकरण करके उन्हीं में प्रयोग कहीं लेके और नए रूप में उन्हें पेश कर रही है? ये तो नहीं है,
क्योंकि नहीं, आपने देखिए जब ये बात उठाई तो ऐसी कहीं बात ना नहीं हो कहीं निकल सकती, के क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है नहीं नहीं विपिन जी, वो ऐसे ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि युद्ध होगा, विपिन जी लेकिन युद्ध हुआ असली में, और युद्ध अभी भी चल रहा है, युद्ध विराम नहीं हुआ। तो यहाँ पर दूसरों से सीख लेनी चाहिए। विपिन जी, विपिन जी मेरा सवाल आपसे, विपिन जी क्या इस बात से ये बात नहीं निकल के सामने आती, एक और पहलू उजागर नहीं होता कि कांग्रेस शॉर्ट सर्विस कमीशन लेके आई तो बीजेपी उसका नाम बदल के अग्निपथ लेके आ रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कारण है, हम नहीं, पहले ऐसा ऐसे हो तो रहा बात है करें ना, कि पहले प्लानिंग कमीशन था, ऐसा हो रहा उसके है, बाद नीति ऐसा हो रहा है, आई। पूछिए क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि एक आपने बात समझनी कंपेयर किया कि जो देश नहीं, हित में देखिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, विपिन जी राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप कभी भी समझौता नहीं कर सकते। विपिन जी तो आपने जो स्थिति कंपेयर किया, देखकर अपने सलाहकारों के साथ, रक्षा सलाहकारों के साथ आपस में बैठक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंची होगी सरकार। विपिन क्योंकि जी यहाँ पर अगर आप मैं बात आपसे करें कि फौज अपने क्या निर्णय लेते हैं जब वो सीमा पे होते हैं तैनात, तो वहां पर वो इंतजार नहीं करते कि सरकार के नुमाइंदे आके उनको वहां पर दिशा निर्देश दें, तो वहां पर यथास्थिति स्थिति को देखते हुए वो उसका जायजा लेते हैं और वहां पर निर्णय लेते हैं। लेकिन विपिन जी एक बात बताइए, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इसका मूल्यांकन हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रवक्ता तो अपने अपने पक्ष में बात बोल देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता अपने पक्ष में बोल देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने पक्ष में बोल देंगे, लेकिन हमें तो सवाल खड़ा करना होगा ना, या जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब मांगना होगा ना, ये हमारी भूमिका और हमारा दायित्व है कि नहीं है? सवाल पूरा बनता है त्रिशूल जी, सवाल बनता है, यहाँ पर जवाबदेही बनेगी सरकार की, कि सरकार को संतुष्ट करना पड़ेगा विपक्ष को और देश के आवाम को, उनको बताना पड़ेगा कि आप जो नई योजना लेके आए हैं इससे सही मायने में लंबे, हाँ तो सरकार तो, सरकार तो बात नहीं करती ना किसी बारे में, अगर सिर्फ आप चार साल का जो ये समय आपने सीमा बांधी है तो उससे कैसे उधार हो सकता है? आपने उनको सेवा निधि दे दी समझ आता है, लेकिन उसके बाद क्या है विकल्प, उसके बाद क्या है? नहीं नहीं, उससे क्या करेंगे आप समझिए, उसके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पिस्टल खरीद लेंगे, 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक खरीद लेंगे, बात यह नहीं है, बात यह है कि पुनर्वास सही जो समाज का सैन्यकरण ना हो वैसे कैसे होगा? अच्छा, कैसे होगा? एक बार बात सुनिए, अनिल जी हमें मैं हमारा भी कुछ सुन लीजिए, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन देश भी मुस्कुराना चाहिए आपकी बातों से, मैं ये चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि एक विषय को प्रारंभ किया आपने, कहा जी कांग्रेस की नकल है। अच्छा मान लीजिए कांग्रेस भी तो हमारे देश की पार्टी थी, उसने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए और उसके अंदर कुछ सुधार करके बेहतर तरीके से अगर उसको हम ले आए और उसका नाम भी अगर अग्निपथ है तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं तकलीफ भाई, वो नहीं कर पाए, तकलीफ ये है, हम लाए हैं, तकलीफ ये है कि कांग्रेस ने देश बेच दिया, कांग्रेस ने देश बर्बाद नहीं, कर दिया, कांग्रेस ने देश को लूट लिया, देख बस सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं जवाब लूंगा आपसे अनिल जी बराबर हर एक सवाल का जवाब लूंगा। तकलीफ ये है कि आप जब कहते हैं ना कांग्रेस ने देश बेच दिया, कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने देश लूट लिया, कांग्रेस ने देश का डाका डाल लिया, तब ये तकलीफ है कि जिसने ये सब कर दिया उसका अनुसरण क्यों किया जा रहा है? ये कौन कौन कहता है? कौन कहता है? बाहर से आके तो लोग कहते नहीं है, अमेरिका तो कहता नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं है? अरे सुनिए आप मेरी बात, आप उस विषय और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं और निकाले भी जाते हैं कई बार। एक टेंथ, एक मेरा उदाहरण सुन लीजिए, दसवीं क्लास को पास करने के लिए एक वर्ष चाहिए, अगर कोई 8 वर्ष में पास करता है और वो कहता है देखिए मैंने 10वीं पास कर लिया, तो वो उपलब्धि नहीं होती। कांग्रेस का हम इसलिए कई बार निंदा करते हैं, जो विषय समय पर समयबद्ध तरीके से होना चाहिए था वो कई कई वर्षों तक नहीं हुआ, और कांग्रेस की लिंगर ऑन पॉलिसी और लटकाने की जो पॉलिसी थी उसके कारण से देश को बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। 70 साल में अगर उन्होंने कुछ कुछ शासन किया है तो हम ये नहीं मानते सब कुछ गलत किया होगा। मैं एज एक स्वस्थ विपक्ष के नाते मेरा व्यक्तिगत राय है कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा, थोड़ा बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल ऐसा नेगेटिव पॉइंट वाला आदमी नहीं है, ना ही मुझे ऐसा सिखाया गया है भाजपा में कि बिल्कुल नेगेटिव भर करके ही आपको बैठना है और कांग्रेस को हमेशा गाली देनी है। देखिए देखिए अनिल जी, सवाल ये है कि आप जब कोरोना आया था तब आप गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताने लगे थे, भारत का मौसम विभाग ये टीवी पर आने लगा था। सबसे अच्छा तरीके बात तो सुनिए भाई, अरे 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 है ना,
और बड़ी उम्मीदें थी कि आप सब ले लेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, ले लेंगे कैलाश मानसरोवर, ले लेंगे अक्साई चीन की बात, खुद गृह मंत्री करते हैं अक्साई चीन की बात, ये अखंड भारत होगा। अब वो अखंड भारत तो होगा और वो मस्जिदों की खुदाई भी आप करवा रहे हैं और उसके चक्कर में बहुत ज्यादा जो हुआ पड़ा है आपको सब पता है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि समाज के सैन्यकरण को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसको सही दिशा में ले जाया जाए, क्योंकि समाज का सैन्यकरण होगा। मेरा ये मानना है अग्निपथ के माध्यम से युवाओं को जो अनुशासित किया जा रहा है, उनको एज ए सोल्जर बनाया जा रहा है, भारत न सिर्फ मजबूत होगा। आप 8 साल में बाबुल सुप्रियो को अनुशासित नहीं कर पाए। सुनिए, बाबुल सुप्रियो गायक थे ना, ऐसे तो हम सत्रह आप 8 साल में विचारधारा नहीं पढ़ा पाए बाबुल सुप्रियो को। भाजपा में थे तो फिल्मों में तो हीरो का रोल करते थे। सुनिए सर, शत्रुघ्न सिन्हा जब फिल्मों में थे तो हीरो का रोल करते थे, जब उनका थोड़ा मूड चेंज हुआ तो विलन का रोल भी करने लगे। तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो अभी विलन का रोल करने चले गए हैं दूसरी पार्टी। ये देखिए ना, साथ तो हीरो का रोल करते, आपके साथ जो नहीं है तो वो विलन है, यही तो बात है भाई। सुनिए, अरे फिल्मों में करते थे सर, और आप दूसरी बात, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि बीजेपी के बड़े नेता हुए, देश के बड़े नेता हुए, उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र मृतक समान है, बताइए आप। तो हम भी कह और रहे हैं, आप उस विपक्ष को कह रहे हैं विलेन है। कह रहे हैं सर, कांग्रेस को मैं ऐसे खत्म होते हुए अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। मैं हाथ जोड़ के राहुल गांधी जी से निवेदन कर रहा हूँ और कांग्रेस के लोगों से, इस प्रकार से खत्म मत करिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो हम फिर गाली किसको देंगे? अच्छा, ये विरोध सुनिए, सुनिए अनिल जी सुनिए, ये विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है, पूरे देश में से जो राय निकल के आ रही है उसी राय पर कांग्रेस को विरोध करने का हक है, वो एक अच्छा लोकतंत्र की निशानी है। जैसे अभी राहुल जी ईडी के मामले में तो कांग्रेस ही खूब सीना चियार चियार के दिखा रहे थे कि हम राहुल जी के साथ हैं, देश के साथ हैं या नहीं है। तो कांग्रेस जिंदा रहनी चाहिए, कांग्रेस जिंदा रहेगी तभी देश को बताएंगे इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया। देश के साथ वो कौन पाकिस्तानी नागरिक है भाई, भारतीय नागरिक है, सीना चीर के बता रहे थे जो। हाँ तो बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान बना ये भी तो बताना है। हाँ, कांग्रेस की वजह से बांग्लादेश बना ये भी तो बताना है। हाँ, तो कांग्रेस की वजह से गिलगित बल्टिस्तान हमारे साथ नहीं है ये भी तो बताना है। कांग्रेस की वजह से बलूचिस्तान हाथ से चला गया ये भी तो बताना है। कांग्रेस की वजह से हमारे देश, अरे भाई लोगों को ये भी देखिए, लोगों को ये भी जानना है कि जो हाथ से चला गया उसको 8 साल में हाथ में लेना कैसे, ये भी जानना है लोगों को। हाँ, लोगों को ये भी जानना है जो कमियां कांग्रेस में थी बीजेपी में क्यों है, ये भी जानना है। ये हमारा अकीदा है। हाँ, ये हमारा मानना है, उसके लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं अग्निपथ के माध्यम से कि बलूचिस्तान को भी लेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान को भी लेंगे, बांग्लादेश को भी लेंगे, इसमें युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेना में लाएंगे, मौका आएगा तो अखंड भारत का सपना पूरा होगा जी। ये बात है ना, आप पता चल गया एजेंडा पता चल गया। हाँ ठीक है, सी के ठाकुर जी पता चल गया ना एजेंडा, आप देखिए कह दिया अनिल जी ने। हाँ तो भाई, अखंड राष्ट्र बनाने के लिए अग्निपथ के योजना से सरकार युवाओं को कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए 2 साल पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते थे, 2 साल के बाद 9 महीने का ट्रेनिंग होता था जिससे लोग शिक्षक बनते थे। आज ग्रेजुएशन को 2 साल से 4 साल आपने कर दिया, 4 साल ग्रेजुएशन करने में, 2 साल बीएड करने में, तो ट्रेनिंग की सीमा जो है आप बढ़ा रहे हैं और नौकरी की सीमा घटा रहे हैं। मतलब लोग 22-23 साल तक पढ़ते रहे और 3 साल का नौकरी करके संतुष्ट हो जाइए। ये सरकार जो है, देखिए जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, जिस एजेंडा के साथ आई, आज वो सब कुछ खत्म कर रहा है देश के लिए, ये बहुत दुर्भाग्य है। तो मैं झा साहब के माध्यम से चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखें खोलें, माननीय गृह मंत्री जी की आंखें खोलें और सरकार से ये कहें कि लोगों को जो फुल फ्लेज नौकरी होता है वो देने का प्रयास करें। जितने भी सरकारी नौकरियां होती थी, सारे के सारे राजस्थान के युवाओं को आईएएस अफसर बना रहे थे, है ना, सबको चीफ इंजीनियर बना रहे थे, और हम लोग सबको जो है बेरोजगारी पर छोड़ दिए हैं। हम हमारे यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है। झा साहब देखिए, कहने की बात नहीं, ये कांग्रेस नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस के तरफ से भी नहीं, मैं एक शिक्षक के नाते बोल रहा, आई एम ऑल्सो ए टीचर, लेकिन मैं उस नाते बोल रहा हूँ कि देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो रोजगार का पैमाना आपने कहा, आपने बेरोजगारों की गिनती बंद करवा दिया देश में,
वो कहाँ गया सिस्टम? बेरोजगार सब कम हो गया है, आप उस पर ध्यान दीजिए। अरे बेरोजगार कम हो गया है, जो पुरुषार्थी है उसके लिए रोजगार है, जो कांग्रेस का वर्कर है पुरुषार्थी के लिए नौकरी को कहीं खेतों में नौकरी खोजने नहीं जाएंगे, क्या पुरुषार्थी के लिए क्या है? कांग्रेस का कोई वर्कर जिसको नौकरी ना मिल रही हो और वो 10वीं पास हो और बीजेपी ज्वाइन करने को तैयार हो, आप आ जाओ, मैं 50,000 का लोन दिलवाता हूँ आपको बिना गारंटी का, वो रोजगार करे। अगर कांग्रेस में थक गया हो वर्कर, मैं गारंटी देता हूँ, मैं अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से, बैंक से, एसबीआई से, केनरा से, मैं अगर हजाम का काम कर सकता है, वो अगर तो अन्य दूसरे काम कर सकता है, टेक्निकल काम कर सकता है, स्कूटर मैकेनिक है, साइकिल मैकेनिक है, कोई टेक्निकल काम जानता है, मैं दिलवाता हूँ लोन। अब देखिए 50,000 से 5,000 देखिए, सांसद तोड़ते तोड़ते आप ये कार्यकर्ताओं को तोड़ने पे आ गए कि लोन लोन दिलवा दिलवा के कार्यकर्ता तोड़ रहे कांग्रेस के। कांग्रेस के इतनी अच्छे लोग आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपकी स्थिति कितनी बुरी है, दम घुट रहा है राहुल गांधी को देख के। हम चाहते हैं वो आए हमारे साथ, रोजगार लें, रोजगार रोजगार में आगे बढ़ें, रोजगार बहुत है, जो पुरुषार्थी है सबके लिए रोजगार है। विपिन शर्मा जी, मुझे लगता है कि जी हम लोग यदि अंधभक्ति कम करें, राष्ट्रभक्ति ज्यादा करें तो ज्यादा चल सकता है। विपिन जी यहाँ तो अंधभक्ति कर दिया, देखिए अनिल जी ने बता दिया करते हैं गांधी 4 साल के बाद भी और पहले भी ये कह रहे हैं बेरोजगारी कहीं है नहीं, हम लोग नहीं करते बेरोजगारी कहीं है नहीं, और इन्होंने पूरा ऐसा बता दिया है कि अब वो जो कल्पना लोक है उससे बाहर निकल के अगर सोचें तो कुछ हकीकत की बात भी तो करनी होगी कि नहीं करनी होगी। देखिए सरकार जो सरकार ने अपना अपनी योजना साझा करी है, उन्होंने उन्होंने बोला है कि 10,00,000 भर्तियां करेंगे हम लोग जितने सरकारी विभाग है मंत्रालयों में, और उसके पीछे विपक्ष को तो पूरा हक है, विपक्ष बोलेगी कि 2024 के चुनाव की तैयारी है, अपना वोट बैंक को साधना है, तो वो अपनी बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर सरकार को भी तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जानी है, जो उन्होंने अगर अपना सपना एक मिशन मोड प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि 2023 के अंत तक हम लोग 10,00,000 भर्तियां करेंगे सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में, तो ये उसका एक देखिए वो सरकार की सोच है, अब उसपे कितना अमल होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप चुनते हो, सिविल डिफेंस, होम मिनिस्ट्री और रेलवेज में, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री में, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात ये है, एक बात का जिक्र होना इस चर्चा में बड़ा आवश्यक है कि यहाँ पर सरकार ने एक इच्छा शक्ति जरूर दिखाई है कि इतने सालों से, इतने दशकों से धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर, वहां पर क्या हुआ था, किसका उद्धार हुआ था, कश्मीर का युवा गुमराह हो गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, स्टोन पेल्टर बन गए थे। ठीक है, तो मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, देखिए एक आंकड़े के मुताबिक सैन्य खर्च का जो 58% से ज़्यादा तकरीबन वो पेंशन इत्यादि पे खर्च हो जाता है, तो कहीं विपक्ष या जो सैन्य विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि उससे निजात पाने के लिए या तमाम एक बदलाव के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि 6 महीने में वो सैनिक तैयार नहीं किया जा सकता जिस सैनिक की अपेक्षा आप दुश्मन देश से लड़ने की करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अभी चर्चा के अभी शुरुआत में बोला कि यहाँ पर 7-8 साल लग जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपनी एक चिंता जताई थी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला था विस्तारवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने, तो यहाँ पर जब विस्तारवाद की बात करी चीन की तरफ इशारा था, एक्सपेंशनिस्ट जिसकी नीति रही है, पॉलिसी रही है चीन की, और आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ इशारा करा था, अब साथ में तीसरा एक और आ गया तालिबान, तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलकायदा का अपना खतरा है, LED का अपना खतरा है, तो यहाँ पर अगर आप युवाओं को सशक्त कर रहे हैं और सेना को और मजबूत कर रहे हैं तो इसमें तो यहाँ पर सबको एक मंच पे लाना पड़ेगा, विपक्ष को विपक्ष से पूछना चाहिए कि आप जब जॉइंट पार्लियामेंट्री इनकी बैठक होती है तो आप उनसे उनसे पूछे कि क्या आपको अंदेशा क्या जता रहे हैं, किस बात की आशंका है आपको। यहाँ पर
जो विपक्ष की आशंकाएं हैं अगर उसको दूर कर सकती है सरकार, उनको संतुष्ट कर सकती है कि ये हमारी योजना है, इससे ये उदार होगा, इससे ये उदार होगा युवाओं का और यहाँ पर देश का, देश हित में ये बात है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर रजामंदी होनी नहीं चाहिए। सब बिल्कुल सब एक मंच पर आ सकते हैं क्योंकि राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा कि यहाँ पर एक दूसरे का ये देखे कि किसका ज्यादा फायदा हो रहा है, किसके वोट बैंक को साधा जा रहा है। ये वोट बैंक की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर युवाओं को आपने सशक्त करना, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा क्या है, वहां सोच जानी चाहिए। एक तो आप अगर 10 लाख बात कर रहे हैं भर्तियां करने की, वो एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर 46,000 आप अगर सेना में भर्ती कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है यहाँ पर, और 4 साल के लिए मौका मिल रहा है, उसके दोनों, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस योजना को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें अगर सब पूरे सबका विश्वास मिल जाए विपक्ष का खास तौर पे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन विपक्ष को विश्वास में लेना पड़ेगा। अनिल जी, मेरा ये कहना है, देखिए इसराइल चारों तरफ से टेररिस्ट कंट्री से घिरा हुआ है। वहां पर क्या है कि हर छात्र को सेना में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और सेना के अंदर अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है। जिस प्रकार से विपिन जी ने कहा, जो टेररिज्म का खतरा भारत के अंदर जो पैदा हुआ है, हमें इसराइल की दृष्टि से भी देखना होगा। हालांकि वो छोटा देश है, वहां कामयाब हो गया, हमारा बड़ा देश है, लेकिन हमको अपनी प्रयासों को नहीं छोड़ना है। हमको इसराइल की पॉलिसी को अपनाते हुए हर घर में सोल्जर पैदा कर रहे हैं कि टेररिज्म कहीं पैदा हो उसको वहीं खत्म कर दिया जाए। और ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो स्लीपर सेल पैदा हो रहे हैं शहरों के अंदर, खासकर मुंबई और बंगाल की तो स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो गई। हमें ऐसी जगहों से, जैसे आज इस बार भर्ती होगी 46,000, अगले साल फिर होगी, तो बड़ी संख्या में एक प्रशिक्षित युवा हमारे समाज में तैयार हो जाएंगे और इस प्रकार के टेररिस्टों से लड़ने में हमको आसानी होगी। ना देश मजबूत होगा बल्कि उनसे लड़ने में भी हमें आसानी होगी। और मुझे लगता है इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। रोजगार और दूसरे अन्य विषयों पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सभी विपक्षी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर प्रश्न ना खड़ा करते हुए सरकार के साथ खड़े हो, इसके रिजल्ट को देखें। अगर कोई 1% सुधार की आवश्यकता होगी तो सरकार तो स्वागत करती है हमेशा इन मामलों में। मैं एक सवाल बनता है आपसे त्रिशूल जी, अगर आप अनुमति दें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए बोला जाता है, ये जो विपक्ष की अगर आप बात सुने, विपक्ष कहता है कि आप उनको बोलते हैं कि आप 4 साल बाद उनको आप सेवानिधि देकर उनको एग्जिट दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर 35 साल की उम्र बताई जा रही है। आप मनोवैज्ञानिकों से भी बात करें, वो भी ये बोलेंगे कि तब एक युवा पूरा तरह मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ पर वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात है कि फौज से ज्यादा अनुशासित जिंदगी और किसी की नहीं हो सकती, कि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है अपनी जगह, कि फौज का जीवन जिसने जी लिया तो वो एक अच्छे रास्ते पे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको सुझाव भी लेने पड़ेंगे। सरकार की बात है कि सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, वो अपनी जगह बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार सुझाव ले तो इसमें क्या, क्योंकि आपत्ति नहीं होनी चाहिए सरकार को। अगर विपक्ष या कोई आपके खुद के हितैषी अगर आपको सलाह दे रहे हैं कि 35 साल की जो उम्र है, जब एक पूरी मैच्योरिटी आती है युवाओं को और वो पूरी तरह से उस एक डिसीजन मेकिंग उनकी कैपेबिलिटी बन जाती है, तो उसमें आप क्यों नहीं आपकी सोच आती उस दिशा में। 60 साल तक जो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे करके लोग प्रशिक्षित घर में रहेंगे, उसका तो खाएंगे क्या? उनके पास रोजगार और रहेगा तभी तो, उसके पास पैसे आएंगे तभी तो, इसलिए उनकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। 80 साल बेरोजगार रहने के बाद वो खाता है, सेना में निकलने के बाद वो खाएगा नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? 11,70,000 रुपए तो हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 11,70,000 केवल सेना की बात ही नहीं है, अन्य जगहों में भी आप कह रहे हैं कि सेना के लिए प्रशिक्षित कर दिए और अन्य जगह जब नौकरियां उनको मिलेगी नहीं, वो घर में खाएंगे क्या, कहां से लाएंगे? 4 साल ट्रेनिंग देकर घर में बिठा दिए। आप मत कीजिए, वो युवा और सरकार दोनों मिलकर करेंगे। आपका तो काम है खेला गुच्ची में थूक दे, बल्कि आप तो न करेंगे न करने देना चाहते हैं। तो जो काम हो रहा है उसे होने दीजिए अच्छी तरह से, चिंता मत कीजिए। हमारे सबको रोजगार, प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता कर रहे हैं, आपके यहाँ बेरोजगार लोग हैं उनको लाइए,
हम लोग उनका काम धंधा खुलवाएंगे। अरे सीके ठाकुर जी, हमारे यहाँ बेरोजगार की दिक्कत नहीं है, रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा असंतुष्ट हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे, अंधभक्त में लगे हुए हैं। वो हर प्रदेश में बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो हर जगह अंधभक्ति में लगे हुए हैं। किस ढंग से सिस्टम हैक कर रहे आपने, जो अच्छा काम करता है उसकी अंधभक्ति करेंगे। काम कुछ नहीं हो रहा, सिस्टम हैक हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान कलेप्स हो चुका है। अब उससे हाँ बिल्कुल हंसने की बात नहीं है जहाँ साहब, नहीं हम चाहते राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने, हमारे को चुनाव जीतने में आसानी होगी, प्लीज बनाइए उन्हें। आप इसीलिए तो बनाते रहते हैं भाई, राहुल गांधी को इसीलिए तो नेता बनाते हैं। विपिन जी, हाँ, क्या लगता है आपको कि संवेदनशील विषय पर, संवेदनशील विषय पर संवेदनशीलता कहीं दिख रही है क्या आपको? ये सवाल आपने मेरे से पूछा है, बिल्कुल बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर संवेदना दिखानी चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं या आपकी एक नई योजना है तो यहाँ पर सबको वो गंभीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा की बात है और युवाओं की बात है, युवाओं के कंधे पे ही देश का भविष्य टिका है। तो यहाँ पर अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं और आपको अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तो यहाँ पर गंभीरता दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर आप इसको, हम लोग किसी से ये अपेक्षा नहीं करी जाती कि हम इस मुद्दे को हल्के में लें, राजनीति अलग बात है, राजनीति करने के लिए और बेशुमार मुद्दे हैं। कम से कम यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि युवाओं को अगर सशक्त करना है कि कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे और यहाँ पर सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो उनके 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 जी सरकार की सारी तरह की एक अच्छी पहल कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है अनिल झा जी, सीके ठाकुर जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बार बार ये बात निकल के आ रही है कि ट्रायल एवोल्यूशन होना चाहिए था, उससे पहले स्कीम को जांच लेना चाहिए था। अब सरकार कैसे इसको फेस करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।